झारखंड के जमशेदपुर में माता मनसा देवी की पूजा का एक अनोखा आयोजन किया जाता है। इस दौरान एक यात्रा का आयोजन होता है जिसमें लोग आस्था के नाम पर सीधे मौत को चुनौती देते हैं। इसे झापन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। झापन यात्रा में पड़ोस के पश्चिम बंगाल से भी लोग शामिल होते हैं। इस दौरान ये सभी लोग जहरीले सांपों को गले में डालकर यात्रा करते हैं। कभी सांप को हार बनाकर गले में डाला जाता है तो कभी सांप को अपने मुंह में डाल लिया जाता है। कुछ तो लोहे के सरिये को कोमल जीभ से आर पार कर करतब दिखाते हैं। से ये आस्था के रूप में पूजा करते हैं लोग, हमारे क्षेत्र के लोग। मनसा पूजा एक मतलब अपना एक सब लोगों का होता है ना, कर्मा पूजा, जितिया पूजा, ये अलग तरह का होता है। तो इनका भी हमारे क्षेत्र में जो आस्था है और इनका मुख्य पूजा है मनसा पूजा, तो बहुत पूर्वजों से मानते हैं। और इसमें से अलग अलग चीज़ों को देखा जा सकता है। आप हमारी शोभा यात्रा में देखेंगे, कोई सांप लेके भी ले जा सकता है, और त्रिशूल जो है छड़ से, रड से बनाया हुआ, तार से बनाया हुआ, जीप से आर पार कर देते हैं। और ये आस्था है, उस दिन उनको दर्द नहीं होता। बाकी दिन आप अगर एक सुई भी चुभोगे शरीर में तो बहुत सारा पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन मनसा पूजा के दिन कोई ऐसा दर्द नहीं होता। मोटे मोटे छड़ के बनाए हुए त्रिशूल जीप से इस पार से अगले पार तक कर देते हैं, इस गाल से इस गाल तक निकाल देते हैं, लेकिन उस दिन दर्द नहीं होता। भगवान शिव की पुत्री मनसा माता की पूजा अर्चना के लिए दूर दराज के गाँव से यहाँ लोग करतब दिखाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तमाड़, बुंडू, सरायकेला, चाईवासा और जमशेदपुर के सुदूर गांव से आए इन लोगों में माता के प्रति आस्था इस कदर है कि इस कर्तव्य में ये लोग हर तरह का दर्द झेलने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ इतना त्रिशूल बेधने के बाद भी, गाल में, जीभ में, छाती पर, पेट पर, जीभ बेधने के बाद भी किसी तरह का कोई टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लिया जाता। माँ का इतना कृपा है, अद्भुत शक्ति है कि उस शक्ति को, मैंने उस संस्कृति को अभी भी धरोहर पर रखने के लिए मनसा पूजा मनाया जाता है। लोग सांप भी लेके गले में, हाँ, लोग सर्प का देवी है और सांप को लोग लेकर घूमते हैं, और ये दिखाते हैं कि माँ मनसा जो सर्प का देवी है और हम लोग सर्प के साथ खेलते हैं, घूमते हैं। हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो खेत में घूमते हैं, तालाब में मछली पकड़ते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा पूजा करते हैं, और सर्प के देवी को पूजा करने से सर्प नहीं काटता है। कहते हैं मां मनसा के पूजन से हर मांगी मुराद पूरी होती है। मां मनसा पूरी तरह जागृत है। नी संतान की संतान की मनोकामना पूरी होती है तो बीमार की बीमारी ठीक हो जाती है। मान्यता है कि मां मनसा की उत्पत्ति भगवान भोले शंकर के मस्तक से हुई थी, इसी वजह से मनसा देवी नाम पड़ा। मां मनसा को नागराज वासुकी की बहन भी माना जाता है। मां मनसा की पूजा ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग ही करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।